झारखंड से सवाल लेंगे गौतम श्रीवास्तव का, जो कि आया है सोशल मीडिया के जरिए। जियो फाइनेंस के शेयर हैं 1500 और भाव है 255 रुपए का। हमने 200 रुपए तक आने के बाद जियो फाइनेंस को संभलते हुए देखा था और अब 243 रुपए के आसपास का भाव है। अब कहीं ना कहीं फिर से कंसोलिडेशन वाले रेंज में फंस गया है। नतीजे ठीक ठाक ही आए थे निमेश जी। जियो फाइनेंस वैसे तो इसको लेकर राय यही बनती है कि लॉन्ग टर्म को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से और बिजनेस ओपन अप होते हुए जाएंगे। आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, व्यू बुलिश है लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे तो शॉर्ट टर्म में जिस तरह से रिजल्ट आए थे, रिजल्ट फ्लैट आए थे, और मुझे लग रहा है कि उसी का रिएक्शन है कि जब हमने देखा था कि स्टॉक के अंदर 220 के प्राइस से एक रनअप हो चुका था, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म नजरिया है तो स्टॉक साइड में रह सकता है। नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो मुझे मेरा मानना है कि 225-230 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे, और ऊपर में जो है वो 260-270 एक रेजिस्टेंस जोन है। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 300-320 के लक्षण आने वाले एक साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का लिहाज से तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में स्टॉक साइड में रह सकता है।